हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही बड़ी टेस्टी बन रही हैं बड़ियाँ। आपने बहुत तरह की बड़ियाँ खाई होंगी, माश की दाल की, चने की दाल की। ये जी बन रही हैं मूंग की दाल की बड़ियाँ। इसको अपने दाल लेनी है तकरीबन अपने हिसाब से। हम लोग तो लिया, एक लिया मैंने कटोरी, हाफ कटोरी लिया। ये देखें फूल गई हुई है दाल। इसको 2 से 3 घंटे आपने भिगोना है। उसके बाद आपने इसके अंदर बस इतना नॉर्मल सा पानी डालना है, ये बस एक फाइन पेस्ट बन जाए। इसमें मैंने डाली है 3 हरी मिर्चें। ये मैंने इसका ना बनाया है ग्रेवी, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। पहले मैं इसको आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। इसका पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें दाल हमने इसलिए इतनी देर पहले भी धोई है कि ना ये आराम से मेल्ट हो जाएगी। अगर आपके घर में सील है ना, तो उस पर आप इसको बारीक बारीक पीसे, बहुत अच्छी इससे तो बनेगी, ये श्योर हो रहा है। मैं ज़रा इसको फटाफट से करके दिखाती हूँ आपको। इसमें डालना है इतना सा नमक कि ये टेस्ट ज़रा अच्छा है। नमक डालना है। ये देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बन गया। ये देखिए कितना प्यारा फाइन सा पेस्ट बन गया इसका। ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा पतला है। बस इसी तरह आपने इसको बनाना है। एक ये मैंने फटाफट से ब्लेंडर चला के बना दिया, और अम्मी मेरी ये सिल पे या चट्टू पे पीस के फिर बनाती थी। अब तो हमारे लिए इतनी आसानियाँ हो गई हुई हैं। फटाफट से मैंने कहा चलो ये आज ये बनाते हैं, क्योंकि शाहिद का काफ़ी दिनों से दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। मैंने कहा चलो आज अम्मी की ये वाली रेसिपी ट्राई करते हैं। इसमें मैंने नमक थोड़ा सा डाल दिया था। अब मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, और बच्चों के लिए निकाल के ना फिर मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी मिर्च ना, अभी मैंने बस हल्की सी डाली। और अजवाइन अगर आप लोगों का दिल करे तो डाल लें। सॉरी, डाल अच्छी लगती है। ना अच्छे से मिक्स करके ना, तो उसके बाद आपने छोटी छोटी सी बड़ियाँ बनानी है इसकी, बस ऐसे। ये तो खाली भी खाई जाएंगी। अच्छा उल्दा, एक सेकंड वेट करो, वेट करो। छोटी छोटी सी बिल्कुल आपने बनानी है, छोटी छोटी सी बिल्कुल। जी बड़ियाँ कितनी प्यारी सी रेडी हो गई हैं। लाइट सा कलर आया इनका और क्रंची देखे कितनी है। ये देखे कितनी ज़बरदस्त अंदर तक की गल गई है। इसका मसाला बनाया, नमक, मिर्च, हल्दी, और ये मैंने ना रखा था सारा मिक्सचर जो मैंने बनाया। ये है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, इनको अच्छे से मैंने पीस के ग्राइंड कर लिया, प्यूरी बना ली थी। अब इस सब मिक्सचर का पहले मैं मसाला भूनती हूँ, उसके बाद मैं बढ़िया डालूँगी। पहले मैं ये डालती हूँ जितना मुझे चाहिए पेस्ट। ये देखिए अब इसके अंदर अच्छे से डाल के ये वाले सारे स्पाइसेस डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। इससे ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। आप वैसे भी प्याज बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं और मसाला भून लें, पर मुझे ना इस तरह इसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। कई लोग शोरबे वाली पसंद करते हैं, कई ऐसे रसमी सी सी। ये देखो ये सिंथिया वगैरह तो इनके जो बनाए थे वैसे ही खा गई हैं, शौक से कह रही हैं बहुत टेस्टी लगे हैं। थोड़े से आपके लिए और निकाल दिए हैं, ठीक है, बाकी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये कितनी अच्छी हमारी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब कितना अच्छा इसका मसाला भून गया, ग्रेवी अलग हो गया, घी अलग हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बढ़िया, ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। और अब इसके अंदर ना मैं डालती हूँ पानी, जितना रखना है उसके हाथ से। पानी आपने इतना डालना है क्योंकि ये भी पानी चूसेंगी। ये देखिए इस तरह इसमें इतना पानी डालना है। अब ये देखना अभी ये गाढ़ा हो जाएगा और इसको थोड़ी देर अब हमें पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। सुनिए जी, ये कैरी की पुदीना हरी मिर्चें, इसकी खट्टी मीठी सी चटनी बड़ी मज़े की लग रही थी। मैंने कहा सारा टेस्ट करते हैं, बहुत मज़े की, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, धनिया, चटनी भी बहुत अच्छी है।
और बढ़िया बन रही है अभी। साथ में मैं बनाने लगी रोटी, अभी ये रेडी हो रहा है, आटा निकालने। रोटी बनाते हैं और साथ में खाना एंजॉय करते हैं। अभी दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको। अभी ये देखें, अभी ये ना थोड़ा ज़्यादा ही फूल गई हैं, अभी ज़्यादा थोड़ा सा ना पानी शायद मेरे से डल गया, बढ़िया बढ़िया काम थी। ये देखें कितनी ज़्यादा फूल गई हैं ये, और कितनी अच्छी लग रही हैं। कितनी ज़बरदस्त आई है और कितनी ज़्यादा फूल गई हैं ये। साथ में है ये जी सूखी मीठी सी चटनी, और ये रोटी बनाई है मैंने। और ना ये देखें, अब आटा इस दफ़ा हम लोग जो लेके आए हैं ना, बहुत अच्छा निकला। मैंने कहा हर दफ़ा कहेंगे ये बताती है आटा नहीं सही निकला, जब अच्छा निकला मैंने कहा अच्छा भी निकला, बता दें आपको कि बहुत अच्छा निकला। और ना वाइट वाइट था, बड़ी अच्छी इसकी रोटी बनती है। बच्चों के लिए ना चावल थे, उन्हें मैं वो दे रही हूँ गर्म करके। ओके जी, आप लाजमी बनाइए, ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक लाजमी दीजिएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।